दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से एक नया यूनिट या आप कह सकते हो नया ब्लॉक शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप पब्लिक वेलफेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक अलग ब्रांच के रूप में पब्लिक वेलफेयर या आप कह सकते हो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ोगे और यही वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो यहां पर मैं आप बच्चों को जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसकी पूरी की पूरी सीरीज शुरू करा रहा हूं और यहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको जो जो आपको कह सकते हो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न होता है वो होता है प्राइस डिटरमाइन करने से, यानी कि किस तरीके से गुड्स का प्राइस डिटरमाइन होगा, किस तरीके से फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन होगा, ये डिसाइड करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम माना जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ एक नया विचार भी पैदा हुआ, उसको कहते हैं वेलफेयर। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या जो हम एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज के द्वारा जो एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं क्या वो अगर हम रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं या कोई पॉलिसी इंपैक्ट चेंज करते हैं तो क्या उससे वेलफेयर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यही जानना वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम है। यानी कि आप ये कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की उन टेक्नोलॉजी या उन टेक्निक को यूज करता है जिसके द्वारा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, यानी कि कुछ पैसा अमीरों से गरीबों को लेके, या कोई पॉलिसी चेंज करके ओवरऑल हमारा वेलफेयर पर क्या असर पड़ा, ये जानने का काम ही पब्लिक या आप कह सकते हो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यहां पे एक बार डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, मैंने यहां पे लिखी हुई है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स टू एनालाइजिस द इंपैक्ट ऑफ रिसोर्सेस। किसका करता है? एनालाइजिस द इंपैक्ट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एक्शन ऑन वेलफेयर बींग ऑफ द पीपल, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी को लोगों के वेलफेयर में क्या असर पड़ता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी चेंज टेक्निक चेंज करके, पॉलिसी चेंज करके ओवरऑल वेलफेयर पर क्या असर पड़ा, यही जानने का काम ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली बच्चों वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट पास करती है, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम सजेशन देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, यानी कि हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक रोड बनाना है, अब वो रोड जो है वो हाईवे बनेगा, मान लीजिए दिल्ली से लेके मेरठ तक एक्सप्रेसवे बनेगा और उसके ऊपर कुछ मकान आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे कुछ लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, कुछ लोगों का वेलफेयर घटेगा। तो क्या ये तर्कसंगत है, क्या ये न्याय संगत है, क्या ये जरूरी है, आप यही जानने का काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में करते हो। यानी कि किस तरीके से आप डिसीजन लोगे कि कोई पॉलिसी जो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, कुछ लोगों को हानि पहुंचा रही है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है, ऐसी पॉलिसीज का यूज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके का नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ही होती है, क्योंकि ये वैल्यू जजमेंट पास करती है और वैल्यू जजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। यानी कुछ लोगों को लाभ और कुछ लोगों को हानि पहुंचाने के बाद हमारा ओवरऑल वेलफेयर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, यही जानने का काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में होता है। तो अगर मुझे सिंपल शब्दों में कहा जाए कि व्हाट इज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो जो हम रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है अगर हम उसको रीएलोकेशन करते हैं तो कुछ लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, कुछ लोगों का वेलफेयर घटेगा, तो क्या वो वेलफेयर ओवरऑल वेलफेयर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ऐसी पॉलिसीज आप कह सकते हो एक तरीके से तर्कसंगत है, एक तरीके से सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है, यही जानने का काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स करती है। यानी कि आप ये चेहरे देखिए, चेहरों की हंसी लाना ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम है, यानी कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना, सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमम करना और किस तरीके से उसको मैक्सिमम किया जाएगा, यही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ये अभी बहुत ही रिसेंटली डेवलपमेंट विचारधारा है और
इसकी भी बहुत सारे स्टेजेस में जाके इसका डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, शॉर्ट में हम इस वीडियो में ही आपको समझाएंगे और ब्रॉडली हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियो के माध्यम से, जिसमें से ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो कि ACEPGLU के द्वारा दी गई है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो कि पेरेटो वेलफेयर के द्वारा दी गई है, कंपनसेशन क्राइटेरिया, इस स्टेप से सबसे पहले ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया, इसके अलावा उसके बाद न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया, कंपनसेशन क्राइटेरिया आया, इसके अलावा बर्गसन सेम्यूसन सोशल वेलफेयर आया, इसके अलावा मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया। तो इनके बारे में हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला हमारी शुरुआत होती है एक तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने या तो उसको कंजम्पशन से जोड़ा, या इनकम से जोड़ा, या वर्किंग आवर से जोड़ा। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके विचारों के बारे में हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बेंथम की। बेंथम जो है वो एक तरीके से उपयोगितावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा, देखिए ये एक स्लोगन है जो आपके लिए बेस स्लोगन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट, यानी कि अधिक से अधिक लोगों का सुख, अधिक से अधिक सुखी एक तरीके से आप कह सकते हो वेलफेयर है। यानी कि उन्होंने यहाँ पे केवल और केवल इनकम से जोड़ दिया, यानी कि सुख के लिए क्या जरूरी है, इनकम जरूरी है। इसके अलावा इसी तरीके से जो एडम स्मिथ है, उन्होंने भी सारी जो एक्टिविटीज है जिससे भी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनका जो जोड़ है एडम स्मिथ का वो कंजम्पशन से रिलेटेड रहा, और उन्होंने भी इंक्रीज इन इनकम को ही या इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट को एक तरीके से वेलफेयर का इंडिकेटर माना, यानी कि उन्होंने माना कि अगर ओवरऑल इनकम बढ़ रही है तो वो वेलफेयर होगा। हालांकि ये भी सही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। इसी तरीके से बच्चों रिकार्डो जो थे, रिकार्डो ने उन्होंने कह दिया कि अगर हमारा ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन पर यूनिट पे, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कि अगर आप, यानी कि एक तरीके से एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ रही है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ज्यादा वेलफेयर होगा। ये सारी बातें बच्चों क्लासिकल इकोनॉमिक्स की है, यानी कि सारी तरीके से अगर आप इसको कंक्लूजन निकालोगे तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सारा का सारा वेलफेयर मनी पर डाल दिया, क्योंकि रिकार्डो कह रहे हैं कि पर वर्कर एफिशिएंसी घट रही है। एफिशिएंसी घटने का क्या मतलब है कि वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। इसके अलावा जेएस मिल ने भी यही बात कही, जेएस मिल ने भी यही कहा कि अगर कोई आउटपुट करने के लिए हमें कम लेबर की जरूरत पड़ रही है तो वो वेलफेयर माना जाएगा। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। इसके अलावा जो अगला आता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो कि 1870 के बाद आया, इसके अंदर भी बच्चों दो पार्ट आते हैं, एक तो कहलाता है ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स और एक कहलाता है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, जिसमें सेडगविक है जिन्होंने बताया, पहली बार बताया कि वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, यानी कि इनकम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके हिसाब से वेलफेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मार्शल ने बताया कि कंज्यूमर जो वेलफेयर होता है, यानी कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे, जो बीच का डिफरेंस है जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जानते हैं, उनको वेलफेयर किया। लेकिन सबसे पहला और सही सिस्टमेटिकल तरीके से जो विचार दिया है वो PGLU ने दिया है। PGLU के ऊपर बच्चों हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां पर आप समझ लीजिए कि जो वेलफेयर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो इंक्रीज इन इनकम पर, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का, देखिए या तो आप इनकम को बढ़ा लो तो वेलफेयर हो जाएगा, या अमीर से पैसा लेकर गरीब को दे दो और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है तो वो वेलफेयर कहलाएगा, ऐसा मानना था PGLU का। PGLU के बारे में बच्चों अलग से वीडियो बना के हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा PGLU का जो विचार है वो कार्डिनल पर बेस्ड है, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो से बता ही देंगे। बच्चों उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा कि इंडिविजुअल वेलफेयर को मैक्सिमम करना ही हमारा काम है। बात करें बच्चों न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, तो न्यू वेलफेयर और ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट वही है। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है वो कार्डिनल ऑर्डिनल पर बेस्ड है, और जो ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो कार्डिनल पर बेस्ड है। ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो कि PGLU की है, वो हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को या जो सेटिस्फेक्शन हुआ है उसको आप मेजरेबल है, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो, और जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है जो पेरेटो का है वो मानता है कि ये ऑर्डिनल है, और ये पेरेटो एफिशिएंसी की बात करता है, यानी कि एक व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना अगर दूसरे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ता है तो उस तरीके का जो इंप्रूवमेंट है वो वेलफेयर कहलाएगा।
लेकिन इसी बात को विरोध करने के लिए एक नई अप्रोच पैदा हुई जिसको बोलते हैं कंपनसेशन क्राइटेरिया, हिक्स कर्डन एंड सिलोवेस्की। तो इसके बारे में भी बच्चों हमने वीडियो बनाई हुई है, ये भी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी डिटेल में। लेकिन इनका ये मानना था कि वेलफेयर जो है वो पेरेटो वेलफेयर नहीं होता, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के वेलफेयर बढ़े कुछ लोगों का घटे, लेकिन ओवरऑल वेलफेयर बढ़ना चाहिए। इस तरीके की जो अप्रोच है वो है हमारी, आप कह सकते हो कंपनसेशन क्राइटेरिया की। इसके अलावा बर्गसन का सोशल वेलफेयर फंक्शन है, जिन्होंने बताया कि हमारा इकोनॉमी जो भी सोसाइटी है उसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना होता है। इसके अलावा जो मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स है जिसमें एरो की इम्पॉसिबल थ्योरी है और AKSEN की वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। एरो की इम्पॉसिबल थ्योरी बताती है कि हमेशा जो जो कंडीशंस होती है उसको अचीव नहीं कर सकते, तो पुअर कंडीशन में आप कम से कम एक चीज़ जो है वो फेल होगी ही होगी। तो बच्चों ये सारी की सारी वीडियो आप हमारी पूरी की पूरी वीडियो सीरीज के माध्यम से आप समझ पाओगे। बच्चों यहां पे मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देता हूं कि क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप जो फैक्ट एंड फिगर है उसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके का सजेशन देता है, उसको आप वेलफेयर नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते हो। आपको पता करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि रोड बनाने से कितने लोगों का वेलफेयर बढ़ा, ये पता करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन होता है वो है व्हाट एक्चुअली इज, क्या है, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न होता है कि क्या होना चाहिए। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारा एक तरीके से कंडीशन क्या है, क्या थी, क्या होगी, इसके बारे में डिटेल करता है। लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स बताता है वो हमें सजेशन देता है कि ये किया जाना चाहिए ताकि वेलफेयर एक्चुअल में इंक्रीज हो सके। इसके अलावा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई सजेशन नहीं देता, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो लगातार आपको सजेशन देगा, लगातार आपको बताएगा कि क्या किया जाना चाहिए जिससे कि आपका वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके अलावा जो इंडिविजुअल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर में क्या डिफरेंस है एक बार आप वो भी देख लीजिए। इंडिविजुअल वेलफेयर रेफर टू द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, यानी कि जब एक इंडिविजुअल कोई गुड्स यूज करता है, मान लीजिए मैंने आम खाया, आम खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो इंडिविजुअल वेलफेयर है, लेकिन सोसाइटी को क्या फायदा हुआ, यानी कि जब सभी लोग आम खाएंगे उससे ओवरऑल सोसाइटी को क्या फायदा हुआ, उसको पता करना ही हमारा सोशल वेलफेयर कहलाता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सोशल वेलफेयर जो होता है वो इंडिविजुअल वेलफेयर को जोड़कर बनता है। यानी कि वैक्सीन लगाने से फायदा उस व्यक्ति को भी होगा जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग वैक्सीन लगा ले और 10 लोग वैक्सीन ना लगाएं तो उस व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाने से फायदा होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, यानी कि ओवरऑल सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होगा। तो सोशल वेलफेयर का मतलब है कि इंडिविजुअल वेलफेयर को जोड़कर जो बनता है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आने वाली वीडियो में आप जितनी भी देखिए ये थ्योरीज है इनके बारे में हम डिटेल में आप बच्चों को समझाएंगे, एक एक करके सारे के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे बच्चों। तो अगर आप हमारा UGC नेट का या UPSC का किसी भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहो तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।